मैं हूँ विनीता, आप देख रहे हैं बीइंग पॉजिटिव विद विनीता। आज मैं देखिए आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ बहुत गुड बात है। हम कहते हैं ये हमारा शरीर, शरीर तो नश्वर है, आत्माओं की बात बताऊंगी, क्योंकि आत्मा जैसे हमारी भागवत गीता में लिखा है, आत्मा ना मरती है, ना काटी जाती है, ना जलाई जाती है। आत्मा एक बालक पैदा होता है, वो कोई आत्मा है जो कि परमात्मा ने एक शरीर में डाल के उसे धरती पे भेज दिया है। उसे रहने के लिए एक आत्मा को घर चाहिए, वो जो बालक है उसका शरीर जो उसे घर के रूप में दे दिया। आत्मा जो आई है उस बालक के अंदर, अपने पूर्ण जन्म के जो कर्म होते हैं उस हिसाब से हम जन्म लेते हैं। अपने अंदर वो अपने सारे पूर्व संचित कई जन्मों के कर्म अपने अंदर लेके आया वो बालक। ये जो हमारा जो पूरा ब्रह्मांड ही समझ लो सिर के अंदर है, कई जन्मों की स्मृतियां, हमारे ज्ञान और पूर्व जन्म के कर्म हमारे इसके अंदर भरे रहते हैं। शरीर त्यागने के बाद जब आत्मा ही शरीर को छोड़ के चली जाती है, हम फिर से जन्म लेते हैं। देखिए मैं आपको उदाहरण देके समझाऊंगी, अभी मैं आपको बता रही थी। एक बालक ने जन्म लिया, वो धीरे धीरे अपने संस्कारों से बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। जवानी में वो जब वो पहुंचा तो एक दूसरी आत्मा से उसके विवाह का समय आया। बहुत ढूंढा गया, निश्चित था, ये निश्चित होता है कि उसका विवाह किसके साथ होगा, फिर भी हम अपने कर्म करते हैं, ढूंढते हैं। उस बालक का एक समझ लो वो लड़का था, एक दूसरी आत्मा जो कि आत्मा ना लड़का होती ना लड़की होती लेकिन शरीर लड़की का है, उसके साथ उस आत्मा का विवाह हो गया। उसके अपने कर्म है, बालक के लड़के के आने वाली कन्या के अपने पूर्व संचित कर्म है, दोनों के अलग अलग कर्म थे पहले पिछले जन्मों में, अलग अलग विचार थे, लेकिन उनका विवाह लिखा हुआ था तो विवाह हो गया। अब हम उन दोनों के विचारों को वो मिलाना चाहते हैं, एक दूसरे पे लादना चाहते हैं, लेकिन शायद ही बिरला ही कोई होता है जिसके विचार मिलते हैं, लादना चाहते हैं। लड़की कहेगी मेरे जैसा बन, लड़का कहेगा मेरे जैसा बन, लेकिन नहीं, हमें एक दूसरे के विचारों पे लादना नहीं चाहिए, अपने को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे पूर्व संचित जो कर्म होते हैं, विचार होते हैं, उनको बदलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे अंदर अगर पवित्र आत्मा है तो हम बदल लेंगे। दोनों ऐसी प्यार से, मोहब्बत से, कुछ लड़ाई झगड़ों से, ये थोड़ा चक्र आगे चलता है। 2-3 वर्ष बाद उनके एक घर में तीसरी आत्मा बालक के रूप में जन्म लेती है। उसके अपने पूर्व संचित कर्म में वो अपने पूरी स्मृतियां अपने लेके आया। उनका जो बालक हुआ था पति पत्नी का, वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है। माना कि वो दोनों जो मैंने कहा था पति पत्नी डॉक्टर है या इंजीनियर है, समझ लो उदाहरण के तौर पे आपको समझाती हूँ, दोनों कोई डॉक्टर है या हम ले लेते इंजीनियर है, टीचर है, कुछ भी ले लेते हैं। हम मान लें कि वो दोनों एक अध्यापक और एक अध्यापिका है, इस हिसाब से उनका विवाह हुआ था, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा विवाह वैसे तो पूर्व निश्चित है, सेम प्रोफेशन वाले से हो तो ज्यादा पटेगी, वो तो समय बताता है कि पटेगी नहीं पटेगी, लेकिन हम ये सोचते हैं कि पटेगी। उनके घर में हम सोचते पैदा होते हैं इसको भी अपने जैसी हम टीचर बनाएंगे, मैं तो पूरा जिंदगी मैंने टीचर बन के काटती, इसको प्रिंसिपल बनाएंगे। लेकिन उस बालक, उस जो आत्मा जो आई है उसके अपने विचार है, वो टीचर नहीं बनना चाहता, लेकिन हम लादना चाहते। तो बच्चे के अंदर स्ट्रगल चलती है, वो कुछ भी नहीं बन पाता, हम कुछ लाद रहे हैं, वो कुछ बनना चाहता है। 10th हुई, 12वीं हुई, हम कहेंगे अब ऐसा कर, तू ऐसे सब्जेक्ट ले ले जो कि बाद में पढ़ाने में आसान होते हैं, और बाद में तो बीएड कर लियो, एमएड कर लियो, और एमए करने के बाद तेरे को कहीं प्रिंसिपलशिप के लिए अप्लाई कर, लेकिन वो बनना नहीं चाहता। अभी 10वीं भी मुश्किल से कर पाता गला देंगे। मैं अपने सबको यही कहना चाहूंगी, प्रियजनों को, कि बच्चे पे अपनी लादा नहीं, उस पे भी छोड़ दें कि तू कभी प्यार से तो पूछे बालक तू क्या बनना चाहता है,
कभी प्यार से बोल के तो देखी, तू बता बालक मेरे बच्चे आप क्या बनना चाहते हो? अगर हमें ना सही लगे वो गलत लाइन पे जा रहा है तो फिर भी अपने विचार व्यक्त करें, नहीं तो उसकी सुने और उसकी मन के करने दें। अगर वो बिगड़ रहा है मान लो, तो फिर तो हमें उसकी कॉन्फ्लिक्ट होती है हमारे मन में कि तो फिर तो हम जरूर टॉकेंगे उसे। लेकिन वो अगर सही पढ़ाई में लगा हुआ है, अगर वो डॉक्टर बनना चाहे डॉक्टर बनने चाहिए, इंजीनियर बनना चाहे इंजीनियर बनने चाहिए बनने दें, अगर वो टीचर बनना चाहे वो बनने दें, बिजनेस करना चाहता है बिजनेस करने दें, फिर अपनी अगर वो अपने मन की करेगा देखना बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा और सफलता पाएगा। अपने नहीं लादें, हम माँ बाप को उसके ऊपर नहीं लादना चाहिए। एक बात और है, अगर कोई बच्चा समझ लो जवान हो गया, हम ला देंगे उसके ऊपर बहुत ज्यादा, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो शराब पी के नशे में हमारे घर अपने घर में घुसता है, पिता से देखता है तो एकदम गुस्से में आ जाता है, लेकिन ये क्या करा तूने, शराब पी के आया है तू, तेरे ऊपर इससे बड़ा धब्बा नहीं होगा, हमारे परिवार कैसे नलायक को जन्म दिया हमने, ऐसी औलाद पैदा होते ही मर जाती ज्यादा अच्छी होती कि जो शराब पी के मेरे घर में घुसा है। लेकिन वो बालक और ज्यादा बिगड़ता चला जाता है, बिगड़ता चला जाता है कि एक तो मैं पहले से तिरस्कृत हूँ, और वो जाके कमरे में घुस के सो जाता है, और अगले दिन क्या होता है वो शराब पी के घर में भी नहीं लौटता, अपने दोस्तों के घर में पड़ा रहता है या कहीं मुड़ेरी पे बैठा रहता है कि जाऊंगा तो फिर पिताजी मुझे बोलेंगे। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको कहना चाहूंगी कि वो बालक घर में आया, उसके सिर पे हाथ रखें, प्यार से कहें कि बेटा ये मेरे साथ, मैं भी इस उम्र से गुजरा हूँ, ये संगति में कई लोग सिखा देते हैं कि शराब पीना सिगरेट पीना, लेकिन नहीं बालक मेरे बेटा, तू मेरी एक अच्छी आत्मा की औलाद है, मैंने अच्छे बालक को जन्म दिया है, तू ऐसा नहीं करेगा, तू ऐसा नहीं करेगा, मैंने कभी खराब औलाद को मैं जन्म दे ही नहीं सकती, मेरे बालक तुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, तेरे पिताजी भी एक बार पी के आए थे, मैंने प्यार से समझाया, उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि तू गलत नहीं है, शराब गलत है सिगरेट खराब है, उस गलत पर अच्छी माँ की औलाद कभी गलत रास्ते पे नहीं जाती, मेरा बच्चे उसके सिर पे प्यार का हाथ रखे, तू कभी आज के बाद शराब नहीं पिएगा, मैंने तुझे अच्छे संस्कार दिए, मुझे लग रहा है तू किसी गलत संगति में पड़ गया बेटा, उस संगति को छोड़ दे और अच्छे मार्ग पे पड़, तेरी माँ ने पूरी जिंदगी त्याग करा है, अच्छे कर्म करे हैं, तू नहीं बिगड़ सकता। तो अब वो बालक एक मिनट में उसके अपने माँ के आंसू देख के नशा उतर जाएगा और माँ के चरण पकड़ के बोलेगा, हे माँ मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं आगे से इस गलत चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, माँ तूने मेरी आंखें खोल दी, आगे से मैं अच्छे कर्म करूंगा, तेरे बताए हुए रास्ते पे चलूंगा। वो बालक अगर हम उसे डांटेंगे तो और बिगड़ जाएगा, उसे सहारा दो, अगर कोई गलत काम करता है तो उसे सहारा बनो, उसका सहारा दो, ना कि उसे भटकने के लिए उसे और डांटो। देखिए एक उदाहरण और देना चाहूंगी आपको मैं, आज हम जा रहे हैं, हमारा ग्रुप चल रहा है, कोई गिर जाता है, चलते चलते हम में से एक गिर जाएगा, पैर फिसल गया उसका, गिर गया वो, कोई ठोकर लग गई उसे, हम उसे कहेंगे संभल के चलता भाई, सारा रोना धोना मतलब तूने ऐसे कराना शुरू कर दिया, सारा पिक्चर अच्छी बच्ची मूवी देखने जा रहे थे, तूने गिर के सारा ही हमारा प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया, तो वो कराने वाला और कराएगा, उसकी आत्मा हमें बद्दुआ ही देगी उस समय, बल्कि उसे प्यार से उठाए हम कि क्या हुआ तेरे को, प्यार से उठाएं उसकी, पहले तो देखी जाए चोट लगी है उस पे पट्टी लगाएं, अगर हमारे पास कुछ दवाई हम प्रोवाइड कर सकते हैं मेडिकल स्टोर से दवाई लगाएं, और उसको प्यार से बोलें कि अरे यार अरे दोस्त थोड़ा सा देख के चलता, मतलब तेरे चोट बहुत लगी है, तो उसके दिल पे सोचो, चोट पे अपने आप आपके मीठे शब्दों की मरहम लग गई और अपना दर्द भूल गया और कहता मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, चलो हम चलते हैं जो इस काम के लिए हम जा रहे थे, हमारे शब्दों में मीठे शब्द होने चाहिए, क्रोध आए भी तो सामने वाला गलत भी है तो उसे अपने शब्दों को काबू करें हम, और अपना दूसरे के आगे अपने अच्छे विचार रखें, अपना प्यार व्यक्त करें, एक आत्मा दूसरे के प्यार की भूखी है, उसका तिरस्कार ना करें,
दो आत्माओं का मिलन करें, हम ऐसे हम जैसे किसी को हम अपने प्यार बांट रहे हैं, कई आत्माएं बैठी हैं, तो उन आत्माओं में से अगर एक आत्मा भी बदल जाए तो समझ लो हमारा मोटिव, हमारा जो अच्छे विचार हैं दूसरे में बांटने जो हैं वो सार्थक हुआ। किसी को सब में प्यार बांटे, प्यार बांटे, प्यार बांटे, माफ करें दूसरी आत्मा को, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, सबको माफ़ करें, सबको माफ़ करें, फिर से बोलूँगी, प्रत्येक आत्मा एक से बंधी हुई है, भगवान नारायण में से ही आत्मा निकली है, उन्होंने है, हम सब भगवान के ही बच्चे हैं, तो हम एक दूसरे से घृणा क्यों करें, ईर्ष्या क्यों करें, जलन क्यों करें, सबसे प्रेम करें, प्रेम बांटे, प्रेम बांटे, प्रेम बांटे। बस मैं आज के लिए बहुत है, आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया।